Hello guys, my name is Pradeep and today is the day 2 of India lockdown. और कल मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि मेरा 30 मिनट का वर्कआउट सेशन था एंड आई वॉज डूइंग दैट वर्कआउट आफ्टर लाइक वन एंड हाफ मंथ एंड आई बर्नड अराउंड 380 किलो कैलोरीज. और जो मैंने वर्कआउट किया था उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट मैंने यूज नहीं किया था. मैंने यूज किया था ये नॉर्मल रोप जंपर और ये एक रेजिस्टेंट बैंड मैंने यूज किया था. लेकिन कल मैंने जो वीडियो बनाया था मैंने उसके बाद सोचा कि क्यों ना इस वीडियो को मैं ऐसे तरीके से बनाऊं और मैं हर दिन एक एक बॉडी पार्ट के ऊपर बताऊंगा तो ये हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग घर में बैठे रहते हैं और इस दौरान हम लोग कुछ भी वर्कआउट नहीं करते. सो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू वर्कआउट फॉर 30 मिनट्स. हर दिन में आपको 30 मिनट का टाइम निकालना है. आप लोग घर में ही रहते हैं, आपको हमारे बॉडी को एक्टिव रहना बहुत जरूरी है. तो इसलिए आज हम एक बॉडी पार्ट के बारे में बात करेंगे और इस बॉडी पार्ट को मैं आपको बताऊंगा कि घर में आपको कैसे एक्सरसाइज करना है. तो सोच लीजिए है आज है डे वन. तो मैं ऐसा करूंगा कि मैं हर दिन एक एक बॉडी पार्ट को डिवाइड करूंगा और अराउंड 4 to 5 वीडियोस के बाद हम लोग कॉम्बाइंड कुछ कुछ बॉडी पार्ट को कॉम्बाइन करके हर रोज एक एक 30 मिनट का वर्कआउट सेशन कंप्लीट करेंगे. और आप लोग ये वीडियो देख के आप अपने घर पे भी वर्कआउट कर सकते हैं. तो आज हम लोग बात करेंगे लेग्स के ऊपर. हमारा जो लेग्स है हम लोग हर रोज यूज करते हैं जब हम लोग बाहर कहीं जाते हैं. लेकिन हम लोग अभी घर पे हैं तो आप घर पे कितना घूम लोगे, एक रूम से दूसरे रूम तक. मैं ऐसे घूमा इधर उधर घूमा तो हम लोग बोर हो जाते हैं. हम लोग दो तरीके के वर्कआउट करते हैं, एक होता है कार्डियो वर्कआउट, दूसरा होता है मसल वर्कआउट. मसल वर्कआउट क्या होता है, जिसमें हम लोग एक पर्टिकुलर मसल को वो करते हैं, जैसे कि ये हो गया शोल्डर हो गया, ये बाइसेप्स हो गया, हमारा बैक है, लेग्स है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स है. और कार्डियो में क्या होता है, कार्डियो एक्चुअली होता है हार्ट. हम लोग हार्ट के ऊपर एक्सरसाइज करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और ये हर किसी को करना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द हार्ट कंडीशंस. आप अपने डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं कि आपका बॉडी कंडीशन क्या है और आपको कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी करना चाहिए या नहीं. कार्डियो होता है आपका हार्ट के लिए. जब आप लोग कुछ एक्टिविटी करते हो तो आपका हार्ट रेट बढ़ता है जो कि इसका मेन मोटिव होता है कि आपके हार्ट रेट को बढ़ाना है. तो आपका हार्ट रेट बढ़ेगा कैसे, तो हम लोग जॉगिंग में जाते हैं या फिर रन करते हैं या फिर कुछ भी ऐसे छोटा मोटा वर्कआउट करते हैं जिसमें अपना हार्ट रेट बढ़ता है. तो मेन मोटिव है अपना हार्ट रेट को बढ़ाए रखना फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. तो वो होता है कार्डियो वर्कआउट. तो आज हम लोग बात कर रहे हैं लेग्स के ऊपर. तो लेग्स के लिए मैं दो टाइप के एक्सरसाइज सिखाऊंगा, एक होता है कार्डियो वर्कआउट, दूसरा है आपका लेग्स मसल वर्कआउट. तो लेग्स कार्डियो वर्कआउट के लिए आपको चाहिए होगा ये रोप जंपिंग और या फिर रोप जंपर, आप कुछ भी बोल सकते हैं. या फिर अगर आपके पास ये नहीं भी है तो आप ये वर्कआउट कर सकते हैं. हर कोई बोलता है कि बाहर जाके चल लेना वो कार्डियो वर्कआउट होता है, वो कार्डियो वर्कआउट नहीं होता है. जब हम लोग कहीं रास्ते पे चलते हैं वो बस आपका हार्ट रेट को अराउंड मैक्स टू मैक्स 110 या फिर 120 तक लेके जाता है. लेकिन कार्डियो वर्कआउट में आपका हार्ट रेट ऑलमोस्ट रीच कर जाता है 150 से 160 और ये वर्कआउट कंटिन्यू करता है अराउंड 5 to 10 मिनट्स. तो फर्स्ट वर्कआउट करते हैं रोप जंपिंग. तो ये जो नॉर्मल है रोप जंपिंग ये सिंपल है, बहुत सिंपल है. आपको बस रोप लेना है और बस ऐसे जंप करते फिर जाएंगे. लेकिन अगर आपके पास ये रोप नहीं है तो आपको करना क्या है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है. बस वर्चुअली आप सोचते रहिए कि आपके हाथ में रोप है और बस जंप करते हुए जाइए. ऐसे आपको कंटिन्यूअसली जंप करना है अराउंड 5 to 10 मिनट्स. ऐसे करेंगे तो आप थक जाएंगे जल्दी, तो आप अराउंड 10 टू 20 सेकंड का ब्रेक ले सकते हैं. ये बेटर है कि आप उससे 10 टू 20 सेकंड से ज्यादा ब्रेक ना लें, ये जरूरी है क्योंकि आपका हार्ट रेट फिर से नीचे आ जाएगा, फिर आपको हार्ट रेट आगे ऊपर लेने के लिए फिर से टाइम लगेगा. तो जब हम ये वर्कआउट करते हैं, जब हम लोग ये रोप जंपिंग करते हैं तो क्या होता है, आप देख सकते हैं
हमारे ये लेग्स में मसल्स है, ज्यादा एम्फेसिस नहीं करूंगा, हमारे लेग्स में अराउंड 3 to 4 मसल्स होते हैं। ये आपका काफ मसल है, ये आपका थाइज में 2 मसल्स होता है फ्रंट में, ये आपका लॉन्गर हेड होता है, ये शॉर्टर हेड होता है, और तीसरा होता है आपका हैमस्ट्रिंग जो कि पीछे होता है यहाँ पे। जब हम लोग नॉर्मल वॉक करते हैं, हमारा नॉर्मली एंकल्स काम करता है, हमारा अपर थाई काम नहीं करता है। तो अपर थाई को काम करने के लिए क्या एक्सरसाइज करना है ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो हम लोग नॉर्मल जॉगिंग करते हैं उसमें आपका अपर थाई बहुत कम वर्क होता है, मोस्टली आपका जो काप्स मसल है, ये वाला मसल है, ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है और आपका एंकल वर्क करता है। तो देखिए, जब भी मैं वर्कआउट ऐसे जंप करूंगा, मेरा जो क्या होता है, मैं जब भी जंप करता हूँ मैं अपने टो से ऊपर जंप करता हूँ, तो क्या होता है, ये काफ मसल एक्टिवेट होता है, आपके पीछे का मसल एक्टिवेट होता है। देखिए ऐसे ही आपको ऐसे कंटिन्यूसली जंप करना है अराउंड 10 to 15 मिनट्स, ज्यादा नहीं। ड्यूरिंग लॉकडाउन हम लोग बाहर नहीं जा सकते, तो बाहर नहीं जा सकते तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा कितना कितना चल लेंगे घर पे, एक रूम से दूसरे रूम, दिन में 3, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार, 15 बार, फिर भी वो आपके अराउंड 400 मीटर से कम होगा। लेकिन जब आप घर पे ये वर्कआउट करेंगे, ये आपको इजीली 2-3 अराउंड 1.5 to 2 किलोमीटर्स आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं विद इन 10 मिनट्स। तो इसमें आपका हार्ट रेट फॉर श्योर 150 के ऊपर जाएगा ही जाएगा अगर आप कंटिन्यूसली 10 मिनट्स तक वर्कआउट करते हैं।